आए थे हमारे यहाँ और ऐसे से उनने बताया था कि विकलांगों की सेवा होती है, तो राधे माँ जी का खास हमें हुक्म था कि जब भी कोई सेवा मांगना है तो उनको सेवा दी जाए। तो हमारा ट्रस्ट जो है राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट, 6 महीने पहले भी यहाँ पर आया था, उन राधे माँ जी के हाथों से सब वितरण दिया, मतलब सामान दिया गया था। और थोड़े दिन पहले, 3 महीने पहले अरुण भाई और सब विकलांग लोग ही आए थे जो शिरडी की यात्रा करने गए थे, वहाँ पर भी राधे माँ जी ने दिया था सामान, पंढरपुर और ये सब गए थे। और आज ये तालपत्री, क्योंकि बारिश का मौसम है, तालपत्री और पेन और बुक्स और ये सब देने का प्रोग्राम है राधे माँ जी का। जी अभी हम इंदौर गए थे, वहाँ पर राधे माँ जी के कोई भक्त थे, उनने मिल के एक कार्यक्रम किया था और वहाँ पर भी स्कूल बैग्स बच्चों के लिए दिए गए थे, और जैसे जैसे जो हो सकता है उतना करते हैं। लोगों की सेवा के लिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों की सेवा के लिए किस तरह काम कर रहा है, कि किस तरह से सेवा देने की कोशिश होती है चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से? जो भी रिक्वायरमेंट रहे, जैसी भी रिक्वायरमेंट रहे, बुक्स की रहे, कभी कोई अभी पिछले ही जब सर्दी थी तो राधे माँ जी ने कम से कम सब पूरे बॉम्बे में कंबल रात को 2-2 बजे, आपने भी देखा था कि रात को 2-2 बजे उठ के देवी माँ जी कंबल बांट रहे थे सब जरूरतमंदों को। तो आज देवी माँ यहाँ पर नहीं पहुँची थी? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है, उनने मेरे को हुक्म लगा दिया तो मैं इधर आ गया। और अरुण जी भी बताएंगे आपको, जो मेन है यहाँ के। नमस्कार जी, आज के आयोजन किस तरह से, क्या सोच के साथ किया गया, जिस तरह से श्री गुरु राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट भी आपके साथ मिलकर उस तरह से लोगों के लिए कार्य कर रही है? नमस्कार, ऐसा है कि हमारे मुंबई शहर में लगभग 1200 सभासद है, हैंडीकैप, ब्लाइंड, कर्ण बधिर, मूक बधिर, पैरालाइज, और हमारी संगठना भी है, संगठना से भी काफ़ी सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं। अभी मेरे संगठना को 2 महीना हो गया है, तो कुछ लोग हमारा ट्रस्ट होने के माध्यम से कुछ गरीब स्लम एरिया से आए थे, तो उन्होंने हमको बोला कि भाई इस ट्रस्ट के माध्यम से, मैं मराठीत बोलो चालेल का, या संस्थेच्या मार्फत आम्हाला काही ताडपत्री वगैरे मिळेल का, आम्ही गरीब आहो, तुम्ही अपंगासाठी कामं करता, तर मी त्यांची रिक्वायरमेंट घेतली आणि मग बोललो की मग तुम्हाला 10-12च काय, अजून तुमच्या एरियात किती गरीब लोक असतील, तुम्ही त्यांचे पेपर घेऊन या, आपण त्यांना सगळ्यांना करून देऊ ती ताडपत्री वगैरे। मग असं करता 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 200-250 लोकांचे पेपर आमच्याकडे गोळा झाले, आणि मेन म्हणजे काय माहिती आहे, आम्ही ही संस्था सगळे अपंग मिळूनच चालवतो, कारण या संस्थेवरती जे पण फाउंडर मेंबर आहे आणि हे आहेत जे पाया आहेत याचा रचणारे, ते सगळे माझ्यावाने सगळे अपंग आणि दिव्यांगच आहेत, आणि आमची ट्रस्ट काही एवढी म्हणजे अजून जोरात नाही आहे, जसं जोर पकडायला पाहिजे तसं जोरात नाही आहे, आम्ही प्रयत्न करतोय भरारी मारायचा, तर त्यामध्ये तरी आमचा कार्यक्रम झालेला संजीवजी बरोबर, राधे माँ चॅरिटेबल ट्रस्ट बरोबर, तर संजीवजी ग्लोबल कंपनीचे जे मालक आहेत त्यांच्या माध्यमातून आमची तिथपर्यंत ओळख झाली। मग अशा बरेच अनेक ठिकाणी आम्ही गेलो, आम्हाला ताडपत्री हवी होती पण आमच्या डोक्यात काही आलं नाही ते, पण नंतरला आम्ही संजीवजीकडे गेलो तर मग आमच्या डोक्यात आलं की ग्लोबल कंपनीचे मालक आहे आणि त्यांच्याकडे बरेचसे जे फ्लॅग्स असतात, जे हायवेनी जे मोठ्या मोठ्या होल्डिंग्स कटआउट जे बॅनर लागतात, मग ते हे सर्व कुठं आणि काय करतात, म्हणून आम्ही त्यांना एक असंच भेटघाट घेतली आणि त्या भेटीमध्ये त्यांना विचारलं की सर आपल्याकडे बरेच लोक विनंती अर्ज आले तर फ्लॅग्स होतील का, काही ताडपत्री भेटतील का, तर त्यांनी मला सांगितलं की माझ्याकडे फ्लॅग्स वगैरे आहेत मोठे, तर बघ गरीबाला कामी असेल तर हे ताडपत्रीपेक्षा जाड क्वालिटीचे आहे, चांगल्या पद्धतीचे आहे आणि मोठे पण आहे, आणि व्यवस्थित ते घर म्हणजे पूर्ण असं संपूर्ण झाकलं जाईल एवढे मोठे ते कटआउट्स आहेत। त्याच्यानंतर संजीवजीने आम्हाला ते डस्टबिन दिले आहे कचऱ्याचे डब्याचे, तुम्ही बघताय त्या जागेवर आम्ही 2 व्हीलचेअर पण ठेवल्या, काही हँडिकॅप लोकांचे रिक्वायरमेंट आलेले की आम्हाला व्हीलचेअर पाहिजे तर आम्ही व्हीलचेअरचं पण अरेंजमेंट आमच्या संस्थेमार्फत केलं, आणि असं मिळून थोडंसं दुसऱ्याचं घ्यायचं आणि थोडंसं दुसऱ्याला द्यायचं असं मिळून आम्ही मॅनेजमेंट करून हा कार्यक्रम सक्सेसफुल बनवतो। थँक्यू राधे माँ चॅरिटेबल ट्रस्टला की जे आम्हाला असं सहयोग करतं, आणि खास करून मी संजीवजींचे आभार मानतो जे माझे मोठे बंधू आहेत राधे माजी का, आणि राधे माचीचं तर आम्ही आभार व्यक्त करतोच, परंतु संजीवजी आमच्यासाठी खास महत्त्वाचे आहे, जे आमच्या पहिल्या नजरेत पहिल्या भेटीमध्ये त्यांनी आमच्या त्यांच्यामुळे आम्हाला ही मदत मिळत चालली आहे। धन्यवाद सर। राधे माजी का नाम
हमेशा? नहीं, देखो ऐसा है कि राधे माँ जी का नाम तो पूरे जगत में है, खेड़े पाड़े में भी है। मेरा गांव बहुत अंदर है विदर्भ में, मैं वहाँ तक जाता हूँ तो राधे माँ का कोई कोने में नाम छूटा हुआ नहीं है। राधे माँ जी का नाम तो ऑलरेडी बड़ा है, मगर क्या है कि उधर तक कोई भी आदमी नहीं पहुँच सकता है ना। तो जैसे अभी संजय जी हमको मिले हैं तो हम जाते हैं, अभी हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है उनके साथ में, देखेंगे आगे चल के जैसा होता है वैसा करेंगे। देखो ये लोग मुझे बहुत आनंद आता है। अभी तक तो मेरे लिए, मेरे पूरे सभासद के लिए और संजीव जी के माध्यम से मुझे कोई कमी नहीं पड़ी है। जो जो मैंने रिक्वायरमेंट उनको की है लेटर हेड पे, वो मेरे ख्वाब और हमारे लोगों के कुछ ख्वाब, देखो जरूरत तो जीवन है तब तक लगी रहेगी। और क्या होता है कि हर एक चीज़ मिलेगी क्या नहीं बता सकता है, लेकिन आज हम यहाँ पे आए हैं लोगों की सेवा के लिए आए, और लोगों की सेवा के लिए जो कुछ मांगा है वहाँ तक तो मिला है हमें। देखो हमने तो लगभग ये 250 और 300 लोगों के पेपर जमा किए थे, लेकिन अभी जो रजिस्टर एंट्री बता रही है हमारी अभी भी उधर है, वो 350 की रजिस्टर एंट्री हुई है, और भी बढ़ सकते हैं लोग, देखेंगे अभी एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि अरुण जी की कभी भी रिक्वायरमेंट आती है तो मैं वो रिक्वायरमेंट राधे माँ जी के पास ले जाता हूँ, राधे माँ जी इमीडिएटली उसको अप्रूव करते हैं, मतलब अप्रूव यानी वो अपना श्रुति देते हैं और उसके हिसाब से मैं इनको हाँ बोलता, तो इनको लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन जबकि ये मैं नहीं करता हूँ, वो राधे माँ जी के थ्रू ही सब उनका आशीर्वाद आता है। ये माँ का ऐसा है कि अभी हम जब भी उनके पास जो भी प्रपोजल लेके गए अपाइजों का दान धर्म का, तो उन्होंने अभी तक ना नहीं बोला है। वो बोला जब भी मेरी कुछ भी हेल्प होवे, किसी बच्चों की फीस भरना है या अनाथ का जो भी हो, उन्होंने अभी तक उस चीज़ को ना नहीं बोला है और हाँ ही बोलती है।